हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में कल हमने जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सैम्पल पेपर था उसको मैंने आपको बता दिया, सिलेबस और पैटर्न डिस्कस कर लिया हमने। साथ ही मैंने आपको जो सैम्पल पेपर है उसके वेरी शॉर्ट जो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसको जो है एक्सप्लेन करके भी आपको बता दिया। अब बचे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी जो कि सैम्पल पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो ये वीडियो जो है मेरी तरफ से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके चैप्टर नंबर 3, 6 एंड 8 से आना है। 3 मेटल एंड नॉन मेटल, 6 लाइफ प्रोसेस एंड 8 जो है रिप्रोडक्शन एनिमल, ठीक है, एंड प्लांट्स। तो उसमें से आपके जो है लेसन नंबर 3 में से आपका जो है 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आना है, 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आना है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरे चैप्टर में से क्वेश्चंस बताऊंगी, आपने बस वही करना है अच्छे से, ठीक है। 99.9% है कि उसमें से ही सारा काम आ जाएगा, ठीक है। एक मैं 0.1% कहती हूँ कि बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए, बट मैं श्योर वैसे तो पूरी ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं 1% का 0.1% का थोड़ा सा डाउट आप, ठीक है। बाकी क्वेश्चन और मेरी यही गारंटी कि आ जाएगा उसमें से। तो 3 में से उसके बाद 6 में से हमें करना है, 6 में से भी आपका जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मतलब 7 मार्क्स का आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं उसके क्वेश्चन बताऊंगी, आपके 3 मार्क्स के भी बताऊंगी और 4 मार्क्स के भी बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है आपका रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन में से आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना, ठीक है। तो मैं उसको भी आपको उसी अकॉर्डिंग बताऊंगी, ठीक है। तो इसके लिए बेटा जो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी, कई बच्चे वीडियो अपलोड करने के बाद भी मुझे कमेंट करते हैं कि मैम इंग्लिश मीडियम में ये अपलोड कर दो, मैम ये बता दो। तो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी होती हूँ बेटा। एक बार आप चैनल पे जाके या डिस्क्रिप्शन में भी आपको पंजाब बोर्ड अपडेट एक लिंक मिल जाएगा, आपको वो क्लिक करना, आपको वहाँ पर सारी वीडियो सीरियल वाइज मिल जाएगी, ठीक है। तो एक बार आप उसको ज़रूर चेक कर लिया करो ताकि आपको ईजिली सारी वीडियो प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। तो अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको जो मतलब सैम्पल पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन है उसको बताऊंगी। उसके बाद जैसे कि कई बच्चों के कमेंट आए हैं कि मैम जैसे इंग्लिश में आपने 5 सेट सैम्पल पेपर दिए थे, प्रोवाइड कराए थे प्रैक्टिस पेपर, ऐसे ही साइंस के भी प्रोवाइड करा देना। तो उसके बाद मैं वो 5 जो है आपके सेट जो है प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को। अच्छा, स्टार्ट करने से एक बात ज़रूर कहूँगी पहले कि अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ठीक है। तो ये आ चुके हैं हम बेटा चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो चलिए इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। साथ के साथ अपनी आप एंड बुक ओपन करो और जो है साथ के साथ टिक लगा लेना, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें जो आपने करना है, फर्स्ट आपका जो ब्लू प्रिंट है ये पेज नंबर आपका जो है, ये कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पे आपको ये क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्या होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये जो 4 क्वेश्चन है ना, ये 1-1 मतलब पॉइंट्स के, सिर्फ आपको बताना है कि लिक्विड रूप टेम्परेचर क्या होता है, मरकरी होती है, ठीक है, इजी कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर, ठीक है, इस तरीके से मतलब जो भी है, कटिंग ऑफ नाइफ सोडियम पोटाशियम। तो मींस ये जो एक एक वर्ड के आंसर है इसका भी क्वेश्चन आ जाता है। कई बार ये 4 के 4 ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आप 1-1 वर्ड में आंसर दे के पूरे 4 नंबर ले सकते हो, ठीक है। ये मैं अपना गैस कर रही हूँ, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ईजी है, ये तो आपको ऑलमोस्ट आता ही होगा, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी को डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये आपने दोनों ही कर लेना है, बहुत छोटे से ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने बुक के अगले पेज पर, ठीक है। पेज वाइज मैं आपको बता रही हूँ, अपनी बुक ओपन करो और साथ के साथ जो है टिक मार्क करते जाओ। आगे आगे हमारे ये क्वेश्चंस, ये आपका पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 पे आपको जो ये क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर आपने जो है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लेना है। सोडियम को कैरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है, उसके बाद रिएक्शन आपकी आयरन के साथ स्टीम की, कैल्शियम के साथ पोटाशियम एंड वाटर की, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आपने करने हैं बस, और कुछ नहीं करना है, बाकी सब कुछ छोड़ दो, बाकी ये सब कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ यहाँ से आपको जो है 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, समझ आ गई बात, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
नेक्स्ट ये है हमारा पेज नंबर 49, ठीक है। पेज नंबर 49 पे आपको आया है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। तो 2-3 साल पहले जो बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे ना, उसमें ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया था, ठीक है। तो इसको छोड़ना मत, बहुत इजी है, कर लेना। मैंने वैसे चैनल पे समझाया हुआ है, अगर आप 10th की वीडियोस निकालोगे ना वहाँ पे साइंस के, तो आपको मिल जाएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड जो है ये भी, यहाँ पर आपको दोनों ही क्वेश्चन करने हैं, दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज के क्वेश्चंस को देखते हैं। पेज वाइज बता रही हूँ, आपकी बुक ओपन करो, साथ के साथ टिक लगाओ, ठीक है। ये हो गया हमारा पेज नंबर, कौन सा हो गया, पेज नंबर 53। पेज नंबर 53 पे आपका क्वेश्चन आ गया है फर्स्ट, ठीक है। बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वैसे तो ये भी वन वर्ड के आंसर है, अगर करना हो तो कर लेना, वैसे इतने नेसेसरी नहीं है, पर ये क्वेश्चन छोड़ना मत। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म मिनरल ओर एंड कैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेज। नेक्स्ट आ गया अब हमारा ये पेज नंबर, ये लास्ट आपकी बुक में जो लास्ट है पेज है ना, 54/55 पेज पर, ठीक है। तो किसी की बुक में कोई पेज नंबर आगे पीछे हो चेक कर लेना क्वेश्चंस। तो यहाँ आपको इसको बिल्कुल हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बैक एक्सरसाइज में। बैक एक्सरसाइज में ये सब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन ये करो, ठीक है, एक क्वेश्चन ये करो, 6 और 7। एम्फोट्रिक ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 2 बतानी है मेटल जो डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को एसिड के साथ। उसके बाद और ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना, 10 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 नंबर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके, ठीक है। तो बाकी ठीक है, देखते एग्ज़ाम में क्या आता है। अच्छा एग्ज़ाम दे के आना तो ज़रूर बताना कैसे हुई आपकी एग्ज़ाम, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, डिफरेंट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी दिया है, बट आपने दोनों ही करनी है, फिजिकल और केमिकल दोनों ही करनी है। एग्जाम में क्या होता है ना, कई बार सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं, कई बार सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं, या फिर कह देते हैं कि 2 फिजिकल बताओ और 2 केमिकल बताओ, ठीक है। तो वो कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपने दोनों ही प्रॉपर्टी के 5 पॉइंट्स तो कम से कम कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने करना है लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 पास, और इसमें इस चैप्टर नंबर 3 में और कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। बस मेरी गारंटी है कि इसमें से ही आपके पेपर में जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है और 4 मार्क्स का आना है वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 6। तो बच्चों अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो ये जो लाइफ प्रोसेस है, और इसके आंसर किसी के भी चाहिए चैप्टर 3 के या 6 के, तो मैंने चैनल पे डाले हुए हैं, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 6 जो लाइफ प्रोसेस है, इसमें से आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है और जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो सबसे पहले 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग और 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग, मीन्स दोनों को मिक्सअप में बता रही हूँ, आप दोनों ही कर लेना, ठीक है, जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ। यहाँ पर यहाँ से इस पेज से आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, कई बार फर्स्ट भी आ जाता है, फर्स्ट और 3 कर लेना, ठीक है। ये पेज नंबर आपका कौन सा था, पेज नंबर आपका 95, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अच्छा डायग्राम भी साथ के साथ मैं बताती जा रही हूँ, इसके डायग्राम की लेबलिंग कर लेना अच्छे से, ठीक है। गार्ड सेल कहाँ होता है, स्टोमेटा पोर कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, तो इसकी लेबलिंग अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आ जाओ आगे आगे, वैसे इसकी लेबलिंग आप कर लेना, वैसे ये आती नहीं है पर फिर भी क्या पता आ जाए, ठीक है, लेबलिंग इसकी भी कर ही लेना आप। नेक्स्ट आ जाओ, ये पेज नंबर है आपका पेज नंबर 101। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिए हैं, ये ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको छोड़ना मत, कर लेना, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसका थर्ड भी इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूँ तो इसके ये 5 के 5 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप मुझसे पूछोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम कर लेना, जरूरी नहीं इतना टफ कि बुक वाला ही आप करो, आपको जो है
गूगल पे बहुत इजी से डायग्राम से मिल जाएंगे, लेकिन लेबलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो इजी सा डायग्राम जो है इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। वैसे जहाँ तक आपको डायग्राम बनाने को नहीं आएगा, लेबलिंग आएगी, बट फिर भी एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आ गए हम पेज नंबर, ये क्या है, पेज नंबर 105 पे आपने कौन से क्वेश्चंस करने हैं। 105 पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना है, ठीक है, कि लंग्स की डिज़ाइन मैक्सिमम कैसे एक्सचेंज करता है एरिया। और उसके बाद अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है, ठीक है, तो 3-4 कर लेना बस, और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम, हार्ट की लेबलिंग कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट ये आ गया, नेक्स्ट ये पेज नंबर आपका है पेज नंबर 110 पे जो क्वेश्चंस हैं वहाँ से आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा करना है, एक तो आप कर लेना इसमें से 4th और 5th। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो 4th और 5th है, ठीक है, तो इसको आप छोड़ना मत, इन दोनों को अच्छे से कर लेना। और डायग्राम की अगर बात करें तो ये डायग्राम जो है इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक ये डायग्राम और एक स्टोमेटा का डायग्राम, ठीक है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है वैसे, तो ये छोड़ना मत, ये अच्छे से इनकी लेबलिंग और प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है, ये इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर, ये आपके लास्ट पेज पर है जो चैप्टर ख़त्म होने पे, तो यहाँ से अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो यहाँ से आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, ठीक है, बाकी और कोई करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं बैक एक्सरसाइज में, बैक एक्सरसाइज में अब आ जाओ, बैक एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 स्लाइवा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्लाइवा का रोल अवर हमारे फूड में, ठीक है। उसके बाद अगर अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो एरोबिक एनएरोबिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो उनको मैं मोस्ट बोल रही हूँ ना, वो समझ लो मेरी तरफ से 101% श्योर है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो एल्वियोली की डिज़ाइन होती है, गैस कैसे एक्सचेंज करती है, एक ये। उसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो हम डबल सर्कुलेशन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। हाँ बस हो गया ये चैप्टर ख़त्म। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 8। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ से 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पेज नंबर आ गया आपका 128 में जो है, वैसे फर्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट कर लेना, इम्पॉर्टेंट DNA, ठीक है, और वैसे वेरिएशन वाला भी कई बार आ जाता तो इसको भी कर ही लेना, छोड़ना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका पेज नंबर, चेक करते हैं कहाँ आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया क्वेश्चन, ये पेज नंबर आपका है 133, ठीक है। यहाँ पर आपने पहला क्वेश्चन जो है, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन में डिफरेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं साथ के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है, तो ध्यान से बेटा सारे क्वेश्चंस को टिक लगा के काम करते जाओ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तो आप ये कर लेना 4th और 5th इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो इसकी बात की है, जो मोस्ट बोलूँ ना उसको तो छोड़ना ही मत बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका पेज नंबर, फटाफट स्क्रॉल करते हैं हम, आ गया ये लास्ट में चैप्टर के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, छोड़ना मत इसको जरूर लर्न कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये पहला और तीसरा दोनों ही क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है, दोनों ही करना है आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मत छोड़ना, ठीक है, ये यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 ये 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बैक एक्सरसाइज में आ जाते हैं, बैक एक्सरसाइज में अब यहाँ पर देखो आप बैक एक्सरसाइज में सेक्सुअल असेक्सुअल भी कर लेना एक बार, ठीक है, और वैसे कुछ खास नहीं पर फिर भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 मेंसुरेशन कर लेना,
फ्लावर वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ डायग्राम नहीं बनाना है आपको, इसको पूरा एक्सप्लेनेशन हर एक पार्ट को करना है 4 मार्क्स में। अगर आप डायग्राम, अगर कई बच्चे को ना ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, तो अगर ड्राइंग में फ्लावर बना के थोड़ा सा भी अगर एक्सप्लेन कर देंगे ना, तो फुल मार्क्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो इसको फ्लावर का डायग्राम की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसकी लेबलिंग करके, लेबलिंग जरूर करनी है, सिर्फ ड्रॉ करने से कुछ नहीं होता, जब तक उसके नाम नहीं लिखोगे ना साइंस में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ड्रॉ करके उसके नेम अच्छे से लिखने हैं और उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो दो, अगर मान लो आपको एक्सप्लेन करना नहीं आया, 2 नंबर आपको डायग्राम के मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको छोड़ना मत, कर लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन ये कर लेना और उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 11 करना, कॉन्ट्रासेप्शन जो मेथड है, ठीक है। अब मेन लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपको, तो एक प्यूबर्टी हो गया, लॉन्ग की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। बाकी जो मैंने बीच में बताया वो छोड़ना मत, लॉन्ग की मैं बात कर रही हूँ। एक प्यूबर्टी वाला क्वेश्चन गर्ल्स बॉयज दोनों कर लेना, दूसरा एक फ्लावर, ठीक है, फ्लावर वाला कर लेना, ठीक है। और उसके बाद जो है, अच्छा बेटा कई अगर हिंदी मीडियम और पंजाबी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं तो क्वेश्चन तो बेटा सेम ही है, ठीक है, तो आप वही क्वेश्चन नंबर टिक लगा लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी अब हिंदी मीडियम के बच्चे भी कहते हैं और पंजाबी मीडियम के भी बच्चे कहते हैं, वैसे हिंदी मीडियम तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत बता दूंगी, लेकिन पंजाबी मीडियम में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, मुझे पंजाबी में इतना आता नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आप समझ गए, सेम ही क्वेश्चन होते हैं पंजाबी में भी और हिंदी में भी, पेज नंबर आप देखकर, क्वेश्चंस देख करके और अपना जो है टिक लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे थे, फर्स्ट आपने इस चैप्टर से कर लेना फ्लावर वाला, मीन्स फूल वाला हिंदी मीडियम में, ठीक है। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन छोड़ना मत, ठीक है, डायग्राम के साथ। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन छोड़ना मत, डायग्राम के साथ। कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन छोड़ना मत, डायग्राम के साथ, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन और उसके साथ प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी बॉयज़ और गर्ल्स में, ये इनमें से मेरी गारंटी आपके लॉन्ग आ ही जाएंगे, ठीक है। और 2 डिफरेंस आपको बता दिए मैंने, बस ये कर लेना, आपके यही आएंगे लॉन्ग में, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपके जो है एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, आप इससे जो है लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लोगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और शांति गेस्ट पेपर के मैंने PDF जो है और सैम्पल पेपर के PDF, ये सारी PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, तो आप वहाँ जाके ज़रूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर वहाँ से आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो ना, तो टेलीग्राम पे जाकर Kalpana17 सर्च करना, तो वहाँ पे आपको जो है PDF मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।